हाँ तो राम राम दोस्तों, स्वागत है तारा आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हर्ष शिकारा की। हर्ष शिकारा का पॉडकास्ट हरियाणवी ओल्ड स्कूल पे आए ना घने दिन हो गए हैं, तो आज उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। उससे पहले तो हमने एक गाना की अपडेट दे दूँ। तो गाना का नाम है फायर पे फायर और यो गाना गामड़ियाड़ा का है। गामड़ियाड़ा का यो गाना है और पोस्टर ने जो ध्यान से देखा तो पोस्टर पर एक्सक्लूसिव कंटेंट का टैग लग रहा है, मतलब कि गाना में काफ़ी खरी खोटी सुनाई जाएगी। बाकी जो गाना इबे कमिंग सून है। तो इस बामा अपना टॉपिक पे हर्ष शिकारा पे, तो हर्ष शिकारा काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है क्योंकि हर्ष शिकारा एक समाज सेवी है जो कि गरीब घर के बालका के ब्याह करवा हुआ है और साथ ही साथ उनके बात भी भर है। और काफ़ी महीने पहला हर्ष शिकारा की एक पोस्ट पर हर्ष शिकारा ने एक पोस्ट कर ली थी, उसमें उसने बताया था कि इतना दूध तो मेरा चाह पानी में लाग जावा है। तो उस पोस्ट पे मासूम शर्मा ने कमेंट कराया था कि कमाई कितना आवा है लाडले। उसके बाद हर्ष शिकारा ने उसका एक प्रॉपर रिप्लाई बनाकर वीडियो घेरी थी, जितना हमने वे डिटेल में वीडियो देखनी है तो वे अपना चैनल पर पड़ी है, लिंक तो हमने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उड़ता फुल डिटेल में कि के होया था कैसे होया था वह तो हम उड़ता चेक कर सकोगे, तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में है। तो उस कमेंट पर हर्ष शिकारा ने इस पॉडकास्ट में की बोलिया है, एक छोटी सी क्लिप ने चेक करो। क्योंकि देखो एक सिंगर है, चलो मैं नाम तो नहीं लूंगा, आपके एक कमेंट के नीचे आपने एक वीडियो गेड़ी थी वो कि भाई इतना तो चाल लग जाए दूध। हाँ, हाँ, उस पर देखो कि मैं तो उसका रीजन रिप्लाई तो सुनो, 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 उसका रीजन बताता हूँ। जैसे कि वो भाई है अपना, भाई हो अच्छा दोस्त, अच्छा शाम 9-9 बजे ही पीछे पीके बिगड़ जा रहा है। अच्छा तो कुछ भी लिख दे है, वो स्वाद लेने थी लिखा था, भी स्वाद लेने थी, उसका जवाब दे दिया, नॉर्मल ही चीज है, लोगों ने उसकी कहानी बना दी, मीम बना दी। और हर्ष शिकारा की एक ऑडियो भी वायरल हुई थी कंबल रिलेटेड, उसमें रेट ज़्यादा कम का कोई मैटर था। तो उस मैटर पे हर्ष शिकारा ने बताया है कि वह ऑडियो बिल्कुल फेक थी, वह एक एडिट करके बनाई गई थी और वह वायरल करी गई थी, और जो मैंने कंबल बांटे थे वे खुद के पीछे आगे बांटे थे, ना कि चंदा के पैसे आगे। ऑडियो वायरल हुई थी कंबल वाली, तो उस चीज की लोग जानना चाहोगे भाई उसका रियलिटी क्या है। उसमें एक बात आप नाज भी सुनी होगी या पहले भी सुनी होगी, एक तो उसको गौर से सुनना ध्यान से पूरी को, वह जोड़ के बना रखी अलग अलग जगह थे कट मार मार के। अच्छा वह मैं पूरी बात हुआ भी, मैंने मेरी इस पर रिकॉर्डिंग के साथ गेरी थी, मेरी वीडियो आज भी पड़ी पा जाएगी, ये बातें हैं आज से 5 साल पहले की, 2019 पे। हाँ सारे के पास फेसबुक पे पा जाएगी। उसके अंदर जो मेन चीज थी, पहली बात तो ये उसमें कह रहा है कि भाई जो कंबल है ना वो 195 रुपया का पड़ेगा और उसका जो टैग 2 लाख का 205 का पड़ेगा, लेकिन उसने इतनी अगेरी रखी है रखी हम बतावेंगे 305 का, या लगा के 195 का पड़ेगा 305 का बतावेंगे। लोग ने माना है कुछ करा था कमला पर पिए खा गया, उन्हें यह चीज चला दी, लेकिन उसके पीछे क्या था, उसमें रिकॉर्डिंग में पूरा किया हुआ मेरे पेज पपड़ी पाओगे उन्हें सुन लेना, 195 रुपया का पड़ेगा, 1 लाख का 205 का पड़ेगा, पर यो कमड़ा हम लेंगे नहीं, हम वो लेंगे जो 305 का पड़ेगा, वो बाहर है उसमें रजाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी वास्तविकता ही आती। दूसरी बात खाने वाली बताने वाली, यार मैंने किसी पर चंदा ही नहीं लिया कमड़ा के नाम का, बैठे थे अपने करते थे खा के गया, फिर वो रुपया तो ना लिया किसी पे, घर तक बैठे थे भाई। अच्छा चंदा के कौन थे भाई? चंदे के तो थे नहीं, घर तक बैठे थे, लोग आ गए बस बात ठहगी कंबड़ 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 सारे गया फला दी भाई, घर तक बैठनी आऊं ससुरा से 5 रुपया का जो पीछे पे ले नहीं रहे, फिर तो रोड़ाई किया गया शराब बिरा के था, न्यू हो रहा था रस चकारा ऊपर क्यों चढ़ लग रहा, कोई तीसरी बात फंस है जिस पर टांग खींच लिया, तो वह एक बात सी फंस गई थी इनके, उस पर टांग खींचनी थी, इससे ज्यादा कोई मैटर नहीं था। तो भैया अगला जो आरोप और पब्लिक का कहना है कि सरकार तो दहेज प्रथा ना रोक है, लेकिन हर्ष शिकारा दहेज प्रथा ना बढ़ावा देने लग रहा है। तो इस पर हर्ष शिकारा ने कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वह भी तुम चेक करो। सरकार तो सब केंद्र रोके है, सरकार कर रही है रोक रोक से कहे उसने नारा कुछ कर दिया, नहीं रोकना चाहिए फिर। देखो दहेज को बढ़ावा देना गलत है मानता हूं मैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक पत्रकार साथी आपके जैसा ही आपकी जगह पे बैठा था, उसने भी सेम सवाल किया था, मैंने उससे पूछा आपकी शादी और की, वो बोला हाँ दहेज में आपने क्या कह लिया था, उसने गिनवाया मोटरसाइकिल एसी फ्रिज टीवी कूलर वॉशिंग मशीन, मैं बोला किस लिए लिया भाई, आप दहेज ने बढ़ावा नहीं दे रहे, यानी कि लोगों की सोच ऐसी होगी है हाँ हम ले लें, वही लोग बोला जो लेकर बैठे, हाँ सवाल वही उठाते जो लेकर बैठे। तो अब बात ये आती है समाज में बदलाव जब आओगे ना तो धीरे धीरे समाज बदलेगा, हम जो समाज के उसके सामान देते हैं जरूरत का सामान देते हैं, डबल बेड संदूक अलमारी सिलाई मशीन क्या बर्तन गैस चूल्हा और कुछ पैसे, पैसों से उनका खाना पीना भोजन हो जाता है, कपड़े उनके पहनने के काम आ जाते हैं, बर्तन उनके जीवन में काम आते हैं, गैस चूल्हा काम आता है, संदूक सामान रखने के काम आती है, अपनी जो अलमारी वो कपड़े रखने के काम आती है, बेड में एक ये हो जाए आजकल जो गरीब बच्ची होती है उसमें एक ठाडी ही हो जाए, वो ये कहने के लायक हो जाए कल उसका तानी ना मार तू अपने घर से लेकर आई, एक इज्जत आबरू बचाने के लिए समाज के अंदर कुछ ना कुछ देने लेने से उसकी इज्जत ढक जाए, बस इतना ही है। और हर्ष शिकारा ने फिलहाल तक 1000+ शादियां
और 154 से ज्यादा बात फिलहाल तक भर दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक हजार से प्लस शादी होली बात 153 होली होंगे। अच्छा जी, दोनों ने मिला के 1000 ऊपर होली शादिया 1000 प्लस है, बात अलग है, महाबात 153 होली होंगे। अच्छा बात है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो ने एक लाइक कर दियो, कमेंट करके जरूर बताइयो कि वीडियो तो मैं किसी लगी।